सलसाना शिक्षा समिति द्वारा संचालित सूर्या पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी राकेश सारस्वत ने बताया कि विद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य भूपेंद्र अरोड़ा व विद्यालय के व्याख्यक संजीव मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक दीपक के समान जलकर विद्यार्थी के जीवन में प्रकाश भरता है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण विद्यालय बंद पड़े हैं, जल्द ही भारत कोरोना पर विजय पाएगा और फिर से विद्यालय खुल जाएंगे। सर, आज इस पावन अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पावन अवसर पर जैसा कि हर वर्ष की भांति 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस तरह इस बार थोड़ा सा अलग ही शिक्षक दिवस है। यहाँ पर बच्चों की मौजूदगी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में सभी बच्चे घर पर ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो शिक्षक दिवस की महत्ता आज नहीं, पहले भी थी और हमेशा आगे भी रहेगी। बिना शिक्षक के एक बालक का विकास नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। जिस प्रकार से माता अपने बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, उसी प्रकार बच्चे को समाज में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शिक्षक अपने कार्य को भली भांति कर रहा है, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षकों के सामने चुनौतियां आई हैं। उन चुनौतियों का सामना डटकर करना है, और कोरोना एक चुनौती के रूप में आया है, लेकिन मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें आकर चली भी जाती हैं। तो शिक्षक समुदाय से भी मेरा आग्रह है कि इस कोरोना काल में धैर्य बनाए रखें। वापस वो दिन आएंगे, वो दिन अवश्य आएंगे। और बच्चों से भी गुजारिश है कि आप अपने अध्ययन को जारी रखें, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई जो भी ऑनलाइन चल रही है तो नहीं से कुछ अच्छा होता है। और जल्दी ही हम पुरानी पटरी पे हमारी गाड़ी लौटेगी। मोस्ट प्रोबेबली 21 सितंबर के बाद स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। पहले अपर क्लासेस के होंगे, उसके बाद फिर उससे छोटी क्लासेस के होंगे, फिर और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पुरानी प्रक्रिया में ढल जाएंगे। बाकी बच्चों से और समाज के लोगों से यही है कि स्टे होम, स्टे सेफ। आप अपने गुरुजनों का आदर करें। शिक्षक वो मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उस कहावत को, उस प्रक्रिया को शिक्षक बना रहने दें। और वह हर व्यक्ति जिसने आपको जीवन में कोई मूल्यवान ज्ञान दिया है, वो हमारा शिक्षक रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे हमें सिलेबस पढ़ाने वाले शिक्षक हों, चाहे जीवन में हमें शिक्षाएं देने वाले व्यक्तियों, वो हमारे शिक्षक हैं, वे सम्मान के पात्र हैं। और मैं अपने गुरुजनों को शत शत नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। जैसे पूरा भारतवर्ष कोरोना काल से ग्रसित है, और इस अवसर पर आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस एक दिवस नहीं है, एक संदेश है। ये पूरे देश को, पूरे मानवता को एक संदेश है। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। एक संदेश है कि एक व्यक्ति अपने जज्बा के द्वारा छोटे से जीवन से वो बड़े मुकाम पा सकता है। जीवन में अगर व्यक्ति छोटा भी है, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा हो, एक संकल्प हो, कुछ बड़े करने की क्षमता हो या बड़े करने की उसकी लालसा हो, तो व्यक्ति महानतम ऊंचाई पर पहुंच सकता है, जिसका जीता जागता आपको सबूत सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक शिक्षक से देश के राष्ट्रपति तक। भारत रत्न 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। एक व्यक्ति सज्जनता, शालीनता और अपनी उदारता से व्यक्ति इतनी सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंचा है। तो ये सभी शिक्षकों के लिए एक आदर्श रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक संदेश है कि अगर जीवन में कोई भी ऊंचाई छोटी पड़ जाती है, अगर व्यक्ति के अंदर उसका सामर्थ्य, उसका जज्बा कुछ कर गुजरने की स्थिति उसके अंदर है, क्षमता है, तो व्यक्ति जीवन की ऊँचाइयों पर पहुँचते।
कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में इन्होंने कार्य किया, विदेशों में भी ये प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो एक शिक्षक समाज के लिए आदर्श जीवन प्रस्तुत किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज ये कोरोना काल में भी यही संदेश कि हम अपने घरों में भी बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि जीवन अमूल्य है, जीवन बचाना जरूरी है, लेकिन अपने मनोबल को ऊंचा रखना है। हमारे दिमाग की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, अपनी बैटरी को 90% या 100% चार्ज पे रखना है कि हमारा मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए। ये कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। इसी संदेश के साथ ये सभी देशवासियों को, सभी बच्चों को ये संदेश है कि इस घड़ी में हमें धैर्य रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलना है जिन्होंने एक आदर्श अपने जीवन में दिया है, और उसी के पद चिन्हों पर चलकर देश को महान बनाना है। धन्यवाद।